गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सभी विद्यार्थियों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आपका ईडी परिवार के साथ आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है यहाँ पर। तो सभी विद्यार्थी, सबसे पहले तो आप लोग क्लास को शेयर करते रहेंगे, जैसे जैसे आप लोग लाइव आते हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और उन सभी ग्रुपों में क्लास को शेयर भी करिएगा जिन ग्रुपों से आप लोग जुड़े हैं, और अपने दोस्तों को बताएगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस क्लास चल रही है यूपीपीसीएल जे एग्जाम के लिए और यूपीसीएल टीजी टू के लिए। हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जीएस का, ठीक है। तो सेट नंबर आपका 12, इससे पहले हम लोग कितने 11 सेट कर चुके हैं, ये 12वां सेट आपका समझ, इससे पहले आपका लगभग एक दिन में हम लोग 3 सेट कर रहे हैं एवरेजन, तो आपका 12वां सेट आज रहेगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी पहले तो क्लास को शेयर करिएगा उन सभी ग्रुपों में जिन ग्रुपों से आप लोग जुड़े हो, ठीक है। तो चलेगा आज के लिए, देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन दे दीजिएगा और यहां पर 1 से लेकर 20 तक आप नंबर लिखिएगा, और जो भी सवाल चलेगा, अच्छा ठीक है ना, चलेगा अब आ जाएगी आवाज, ठीक है। आप वेट करिएगा, सभी लोग इंतजार करिएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वेट करना चाहिए आप लोगों को, अब आवाज आ रही ना, अब ठीक है बच्चे, अभी ठीक है ना। अब देखिए, अगर दिन भर अगर क्लास होगी तो ये सारी समस्याएं होती रहती है, और इस क्लास में तो अक्सर हो रही है हमारी, ठीक है। तो आप कुछ पूजा वूजा करवाएगा तभी जाके क्लास बिल्कुल सही ढंग से हो पाएगी, चलेगा। आज देखते हैं इस अगले सवाल पर बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो कौन से जो आपके पहले स्पीकर थे जिनके, यहां पर पहले स्पीकर यानी कि जिन पर अविश्वास प्रस्ताव, जो आपका अविश्वास प्रस्ताव की अगर मैं बात करूंगा, जो आप समझो नो कॉन्फिडेंस जो आपका बिल आएगा आपका, यानी कि ये लोकसभा में आएगा रूलिंग पार्टी के खिलाफ आएगा, तो प्रथम लोकसभा जिन्होंने, लोकसभा अध्यक्ष जिन्होंने इसे फेस करा, तो वो कौन थे आपके, बिल्कुल देखिएगा उनका नाम क्या आएगा आपका, जीवी मालवंकर, ठीक है ना, जीवी मालवंकर जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव, जेबी कृपलानी लाए थे बच्चे, आप पर ध्यान दीजिएगा, अविश्वास प्रस्ताव, देखिए प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जो बाद में पारित नहीं होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले सवाल पर, जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा आपका किस खनिज के लिए जाना जाता है, ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आप लोगों का आंसर क्या बनेगा, आपसे पूछा जाता है कि जादूगोड़ा किसके लिए जाना जाता है आपका, यहां पर आयरन ओर के लिए या मैग्नीज के लिए, यूरेनियम के लिए, तो ये किसके लिए जाना जाता है हमारा, जादूगोड़ा की खान किसके लिए, यूरेनियम के लिए जानी जाती है, ठीक है। जैसे कुंद्रे मुख आपका आयरन ओर के लिए, तेलचर आपका ओडिशा में किसके लिए, कोयले के लिए जाना जाता है आपका, जैसे आपका वर्कला हो गया, न्यू वैली हो गया आपका, जैसे बरौनी हो गया आपका, ठीक है, हम लोग सबसे चर्चित आपका जैसे खेतड़ी हो गई, ये किसके लिए जाना जाता है आपका, खेतड़ी खान किसके लिए, कॉपर के लिए, तो ये सभी आप लोगों को साथ में याद करते हुए चलना है, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले सवाल पर, 38वें समांतर रेखा किन देशों के बीच में सीमांकन रेखा है, 38 डिग्री जो आपका स्वेलर लाइन जो आपका क्या है बच्चा, किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा निर्धारित करती है,
जर्मनी और पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, यूएस और कनाडा के बीच में, तो यहां पर सही आंसर क्या बनेगा इस सवाल का? देखिएगा इस सवाल का आंसर क्या बनना चाहिए हमारा, इंपॉर्टेंट सवाल आपका, ठीक है। तो ये कौन सी होगी आपकी 38 डिग्री, जो पहला लाइन है, समांतर रेखा, तो किन दोनों के बीच में? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, नॉर्थ कोरिया और कौन सा आपका साउथ कोरिया, ठीक है ना। तो यहां पर जो कोरियन कंट्री है, इनकी जो करेंसी क्या आपका वन, वन क्या होगी यहाँ की करेंसी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय वायरल डिजीज, इनमें से कौन सी जो एक वायरल डिजीज है, चिकन फॉक्स दिया गया, ट्यूबर क्लोसिस दिया गया, मलेरिया या कॉलरा, यहां पर क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो विषाणु के कारण होता है, तो विषाणु के कारण कौन सा होता है आपका, चिकन फॉक्स बच्चा यहां पर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो चिकन फॉक्स क्या होता है, जो एक वायरल डिजीज के तौर पर होती है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल देखिएगा, पेरिस शहर किस नदी के किनारे या तट पर स्थित है, पेरिस शहर आपका कौन सी नदी के किनारे है, तो पेरिस शहर मुझे कौन सी नदी के किनारे आपका, सीन नदी के किनारे, यानी कि फ्रांस की जो कैपिटल आपका पेरिस, ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद होना चाहिए कौन सा ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल आपके जो 2020 में हो रहे थे, अब 21 में हो रहे हैं, कहां पर, टोक्यो के अंदर, प्रत्येक 4 साल में होते हैं, तो 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर होगा, तो 2024 में आपका कहां पर होगा, पेरिस के अंदर होगा। आ रहा समझ में आपको, 2024 में पेरिस के अंदर होगा। चलेगा नेक्स्ट बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है, यहां पर क्या दिया गया, फॉलोइंग विच आर कंसिडर्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निम्नलिखित में से किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है, इसमें से किसे माना जाता है आपका, तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था ना, जॉन मैकॉर्थी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका 5G, 5वीं जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। यदि आप लोगों ने COVID-19 से पहले अगर किसी शब्द को सबसे ज्यादा सुना होगा, तो किसे सुना आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, AI को सुना था, ठीक है, किसके पहले, यानी अगर कोरोना वायरस से पहले यदि मैं आपसे बताऊं, तो सबसे ज्यादा जो हमें शब्द सुनने को मिला, जो सबसे ज्यादा हमने जिस शब्द को सुना, तो वो शब्द कौन सा था आपका, वो बिल्कुल आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो शब्द आपका था, याद है अपने आप लोगों को। चलेगा अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या देखने को मिलता है, अगला सवाल देखिएगा यहां पर, अगला सवाल ये आपकी स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है, इनमें से कौन सा जो एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ओर ऑफ बच्चा आपका एल्युमिनियम, इनमें से कौन सा जो एल्युमिनियम का ओर होगा आपका, तो बोरेक्स दिया गया आपका, ठीक है, बोरेक्स दिया गया, डोलमाइट दिया गया, तो बॉक्साइड आएगा यहां पर, एल्युमिनियम का और कौन सा आपका यहां पर, तो बॉक्साइड रहेगा। उसके साथ साथ याद रखेगा, आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, क्या पूछ लेगा, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ये बॉक्साइड उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, विश्व में सबसे ज्यादा कहां पर होती है आपकी, तो सबसे ज्यादा देखेगा, सबसे ज्यादा इसे कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये से करता आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा बॉक्साइट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पहले भी बता चुका आप लोगों को, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा उन सभी ग्रुपों में, और ये क्लास का भविष्य देखेगा तभी संभव हो सकेगा जब इसमें कम से कम 100 बच्चे तो होने चाहिए। अपने यूपीपीसीएल TG2 अगर JEE की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर लगभग हमारे 100 बच्चे तो लाइव होने चाहिए क्लास में, और वो तभी हो पाएंगे जब आप लोगों का सहयोग रहेगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार क्लास को शेयर किएगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम लोग यहाँ पर, भारत में बिल्कुल राजस्थान आएगा आपका, विश्व में ऑस्ट्रेलिया आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल दिया गया आपका कि भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज की गई थी, पेट्रोलियम वॉज बच्चा आपका डिस्कवर्ड इन इंडिया, तो भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज की गई थी, अंकलेश्वर, डिगबोई बच्चा आपका बरौनी या मुंबई के अंदर, यहां पर दिया गया आपके सामने, तो आप लोगों का आंसर क्या बनना चाहिए यहां पर, तो राइट आंसर आएगा आपका डिगबोई, असम में, जो 1905 में पहली बार भारत में 1905 में सबसे पहले क्या खोजा गया था आपका, पेट्रोलियम की खोज की गई थी डिगबोई, असम के अंदर, ठीक है ना। चलेगा
नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले इस क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड द सेफ्टी वॉल्व ऑफ नेचर. यहां पर प्रकृति का जो, गुड आफ्टरनून पूछा, गुड आफ्टरनून. क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है, किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व के नाम से आप लोग जानते हो, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो आप लोग आंसर क्या दोगे. आप लोगों का आंसर क्या बनेगा यहां पर, जो सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है किसे कहा जाता है, तो वॉल्व के नाम यानी कि ज्वालामुखी को, समझो ज्वालामुखी को प्रकृति का क्या कहा जाता है, सुरक्षा वॉल्व के नाम से जाना जाता है आपका, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर दिख रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है ना, कहीं दिक्कत तो नहीं बचे आपका, क्योंकि आजकल कुछ बिल्कुल सब ओके है ना, सब कुछ ओके है. चलेगा नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले सवाल पर. सवाल नंबर 12 देखिएगा, किस भारतीय स्पिनर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दो बार हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बने, दो बार हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय जो बने उनका नाम क्या आपका, तो याद रखिएगा किस भारतीय स्पिनर ने, समझो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दो बार हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय जो बने उनका नाम क्या आएगा आपका यहां पर, तो बिल्कुल राइट आंसर आएगा आपका कुलदीप यादव. इन्होंने एक बार ऑस्ट्रेलिया और दूसरी बार वेस्टइंडीज के खिलाफ क्या ली थी आपकी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक ली थी, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने हैट्रिक ली थी. चलेगा कुलदीप यादव. कुलदीप यादव का निक नेम क्या आपका, चाइना मैन. इन्हें चाइना मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये चाइना मैन क्रिकेट के अंदर आपके एक टर्म है, यानी कि जो बॉलिंग होती है ना, तो वो क्रिकेट के अंदर आपके एक चाइना मैन शब्दावली है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले सवाल पर. भारत 2020 में जेंडर गैप इंडेक्स में कौन से स्थान पर रखा गया, यहां पर दिया गया इंडिया वॉज रैंक एज द विच पोजिशन इन द जेंडर गैप इंडेक्स 2020. भारत को जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर रखा गया है, ऐसा सवाल हमसे पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है ना, तो यहां पर राइट आंसर बनेगा हमारा बिल्कुल देखेगा डी आएगा यहां पर बिल्कुल 112, और 2019 में 108 था, हो सकता है 2019 पूछते तो 108 था, ठीक है ना, 2019 में 97 नहीं बचा आपका, डी आएगा 97 नहीं आएगा जेंडर गैप इंडेक्स में 2018 में. अभिषेक यादव बच्चे कहते हैं कि सर यूपी पीशल टीजी टू में जीके तो नहीं आते है. बच्चे यूपी पीशल टीजी टू में किसने कहा जीके नहीं आता है, यूपी पीशल टीजी टू में किसने कहा बच्चे जीके नहीं आता है. 20 नंबर में आपका दोनों चीज आएगा आपको बताए अभिषेक यादव बच्चे, मुझे तो जहां तक ध्यान है और जो मैं आपके पेपर को देख चुका हूं पहले, यानी कि जो आपका रीजनिंग यहां पर रीजनिंग और आपका जीके पोर्शन दोनों है ना, 20 नंबर में दोनों मिक्स है, 20 नंबर में आपके दोनों मिक्स है बच्चे, आपका याद होना चाहिए आपको. अगर आप सिलेबस में देखेगा अपना क्या दिया गया था, यस जहां तक मुझे याद है तो देखेगा, अगर आप लोग तो ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो, आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो बच्चा, ठीक है ना, तो याद होगा क्योंकि देखो मुझे जहां तक पता है, अगर ऐसा है तो मुझे तो यही पता है कि टीजी टू में अभी आपका जो 20 नंबर आएगा उस 20 नंबर में चार पांच छह नंबर कभी कभार 5-6 दे देता है, कभी कभार 10 दे देता है, ठीक है ना, देखो आता है बच्चा आता. हाँ यहाँ पर सर आप कौन से बुक से पढ़ते हो, बच्चा मैं बुक लकी बच्चा मैंने कहा बुक से कहा पढ़ता हूँ, बुक तो फॉलो करता ही नहीं हूं मैं, आपके न्यूज़पेपर पीआईबी हो गया और जो जो चीज अब तक पढ़ी है वो सारी चीजें को देखते हुए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, अब तक के पेपरों को देखते हुए और जो आपका अपने जो स्वयं के नोट्स है अपने स्वयं के ज्ञान के अनुसार आप लोगों को चीजें बताता हूँ, बस वही है, बाकी अभी तक तो कोई बुक फॉलो करी नहीं है, ठीक है. चलेगा नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहां पर क्या दिया गया कि आपका सवा तेजस सिंह मंदिर जो 72 साल तक हिंदुओं के लिए खुला है, ये मंदिर कहां पर 72 साल बाद बच्चा हिंदुओं के लिए खोला गया था आपका 2019 में, तो ये कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर स्थित आपका, कहां पर, पाकिस्तान के अंदर स्थित आपका, ठीक है. चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले सवाल पर. सवाल नंबर 15 दिया गया, रेमन मैक्स पुरस्कार कब स्थापित किया गया था, रेमन मैक्सेसे पुरस्कार कब स्थापित किया गया था, यह सवाल आपसे पूछा जाता है. तो रेमन मैक्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, ठीक है ना,
ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा, इसे रमन मैक्से पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, एशिया का नोबेल कहा जाने वाला पुरस्कार रमन मैक्से पुरस्कार, जिसे जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने विश्व शांति में जो काम किया उसके लिए आपका समझ जो क्या रमन मैक्से पुरस्कार दिया जाता है ना, तो रमन मैक्से उस समय पर क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, रमन मैक्से पुरस्कार आपका 1957 से इसकी शुरुआत होती है, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता, और ये पुरस्कार आपका फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। आपसे मैंने पूछा वह कौन से भारतीय थे जिन्हें रमन मैक्से पुरस्कार से सबसे पहले सम्मानित किया गया, ऐसा सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपने क्या आंसर देना है कि 1958 में पहली बार विनोबा भावे जी को दिया गया था, सबसे पहले 1957 में दिया जाता है। अब वो किसे दिया गया वो तो नहीं पता, लेकिन भारतीय जो 1958 में दिया गया था वो विनोबा भावे जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे, पहला विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, फर्स्ट बच्चा आपका वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया जाता है, पहला विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका। ठीक है, तो ये 7 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को या 6 अक्टूबर को। ठीक है, तो पहला कपास दिवस कब मनाया गया था आपका, 7 अक्टूबर को। आप सभी विद्यार्थियों से ये सवाल ना पूछे, समझो, ये सवाल ना पूछे, आपको याद है कि ये WTO के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ये इवेंट रखा जाता है आपसे, आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक सवाल है, यदि सबसे पहले किसका कमेंट आता है मैं वो जानना चाह रहा हूं कि 7 अक्टूबर 2020 में जब भारत ने अनाउंस करा कि अब जो भी हम लोग कॉटन को एक्सपोर्ट करेंगे तो उसे एक नाम दिया गया था, उस नाम को बताएगा, अब विदेशों में जो भारतीय कॉटन होगा उसे किस नाम से पहचाना जाएगा, उस ब्रांड नाम का बताएगा, ये सवाल पूछा गया आपका। हाँ बच्चा, कंप्यूटर भी बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन कंप्यूटर आपका अभी कंप्यूटर के लिए सिर्फ ऐप के अंदर ही चल रहा है आपका, समझ, एप्लीकेशन में चल रहा है कंप्यूटर, चलेगा। तो यहां पर देखिएगा, पहला बच्चा विश्व कपास दिवस कब मनाया गया था आपका, तो ये 7 अक्टूबर को, और विश्व भर में जो भारतीय कॉटन होगा बिल्कुल देखिएगा आंसर आ चुका है यहां पर, विकास पंडित बच्चे का कस्तूरी, रूपाली आनंद बच्चे ने कस्तूरी आंसर दिया है, और अंकुर कुमार बच्चे ने आंसर दिया है कस्तूरी, बहुत बढ़िया। इस वर्ष निर्णय लिया गया कि जो हम लोग कॉटन को क्या क्या करेंगे आपका, एक्सपोर्ट करेंगे यहां से बच्चे, जो ठीक है ना, निर्यात करेंगे, तो उसका ब्रांड नेम क्या होगा, कस्तूरी होगा। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले सवाल पर, भारत में पहला हाथी स्मारक, देखिएगा, इंडिया फर्स्ट एलिफेंट मेमोरियल जो आपका लोकेटेड है, तो ये भारत के कौन से जगह पर आपका लोकेटेड है, तो ऐसा पूछा गया आपसे, तो ये कहां पर होगा हमारा, ए उत्तर प्रदेश में, कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर, इंडिया फर्स्ट एलिफेंट मेमोरियल कहां पर आपका, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी कहां पर हमारा, तो मथुरा के अंदर होगा, याद रखिएगा, मथुरा में आपका, भारत में पहला ये मथुरा के अंदर है आपका। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट बढ़ेंगे अगला सवाल पर, भारत में पहली बार शिक्षा दिवस, शिक्षा दिवस हम लोग मनाते हैं तो ये मनाते हैं हम लोग 11 नवंबर को, प्रत्येक वर्ष एजुकेशन डे के रूप में 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। जो भी विद्यार्थी अभी अभी लाइव आए हैं, आपको बता दूं आपकी क्लास 3 बजे स्टार्ट हो जाती है, हमने यहां पर यूपीपीसीएल जेई और TG2 को ध्यान में रखते हुए, अब यूपीपीसीएल जेई में 20 नंबर का आना है समझो, और TG2 में आपका मुश्किल से 7-8 नंबर का आएगा, हो सकता है कभी 12 नंबर का आ जाता है और कभी 5 नंबर का भी आता है TG2 के अंदर, तो उसे हम लोग ध्यान में रखते हुए इस क्लास को जरूर आप लोग देखेगा, और रात में आपकी 9 बजे क्लास होती है उसमें भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये सवाल था आपका, तो हम लोगों ने पहली बार कब मनाया, बिल्कुल 2008 से मनाया, ये शिक्षक नहीं है, ये एजुकेशन डे है, शिक्षा दिवस है, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, ये सवाल मेरा आपसे, देखिएगा, भारतीय पहले शिक्षा मंत्री जो थे उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर हम लोग क्या मनाते हैं, एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जग मिशन के लिए किस राज्य को 2019 के लिए पर्यावास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था,
पर्यावास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऐसा सवाल पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? पर्यावास यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 जो जग मिशन के लिए दिया गया, ओडिशा राज्य को दिया गया। किसे? ओडिशा राज्य को दिया गया था, ठीक है ना। बिल्कुल बच्चा आपका अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट बनेंगे हम लोग अगला सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा क्या आपका, अगला सवाल दिया गया अमंग द फॉलोइंग वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड जो आपका नॉन फिक्शन बच्चा आपका क्या थी कैटेगरी इन इंग्लिश लिटरेचर 2019-20 के लिए जो साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए यह अवार्ड दिया गया। तो किसे यहां पर? तो मुझे तो शशि थरूर याद है, अंग्रेजी साहित्य में रचनात्मक गैर काल्पनिक श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? शशि थरूर जी ने इस अवार्ड को जीता, ठीक है। और किस बुक के लिए? एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जितने भी विद्यार्थी लाइव है सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक भी करेंगे। आगे देखिएगा सवाल नंबर आपका कौन सा आएगा, 20वां आ गया, सत्यमेव जयते जो हमारा आदर्श वाक्य है ये हमने कहां से एडॉप्ट किया? सत्यमेव जयते जो शब्द है हमारा इसे हमने कहां से एडॉप्ट किया, ठीक है ना। यहां पर क्या दिया गया आपका, जो सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य है तो ये प्रतीक चिन्ह में लिया गया। तो कहां से लिया गया आपका? मुंडक उपनिषद से लिया गया। किससे? मुंडक उपनिषद से लिया गया। आगे समझ में? अच्छा सवाल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी याद रखेगा। 20 सवाल हमारे कंप्लीट होते हैं। अगले सेट में हम लोग यहां से जाएंगे, अगला सेट आपका देखने को मिलेगा। अब तक हम लोग कितने 12 सेट कर चुके हैं, तो आप लोग पिछले जो 11 सेट है उनको भी देखेगा। अब आप लोगों का स्कोर जहां तक जो पुराने बच्चे हैं तो उनका 15 से 18 के बीच में, और जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनका 10 से लेकर 12 के बीच में स्कोर है। क्योंकि देखेगा आज के समय पर नॉन टेक्निकल ही डिसाइड कर रही है आपका कि आप लोग बच्चा कट ऑफ जो आपका हाई जा रही ना अभी, तो वो किसके वजह से जा रही है आपका? नॉन टेक्निकल की वजह से जा रही, ठीक है। तो यहां पर 20 सवाल हमारे समाप्त होते हैं, और 20 में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी है जिनका 18-19, और ये ऐसे नहीं आए हैं, रेगुलर पढ़ा है, रेगुलर क्लास को वॉच कराए, सवालों को बार बार रिवीजन कराए, सवालों को आपका पढ़ा है, इस वजह से ही आपके 18-19 नंबर आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, समझ आप सभी विद्यार्थी, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, एक एक सवाल आप लोगों को मैं बता रहा हूं यहां पर। चलिए देखिएगा सेट नंबर 20, सेट नंबर 17-13 आपका क्वेश्चन नंबर यहां पर 20 रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे। जो सवाल आ रहा है उसे सही करिएगा, जो नहीं कर रहे उसे स्किप कर दीजिएगा, और जो 50-50 चांसेस है तो उसे करने के बाद अगर गलत होता है तो उसे गलत कर दीजिएगा, समझो। और देखिएगा यहां पर राहुल चौहान बच्चे राजपूत बच्चे ने बताया कि 18, और यहां पर मोहन बच्चे उन्होंने 19, देखिएगा 13-5, बहुत बढ़िया। इस तरह से स्कोर आपका अच्छा स्कोर जा रहे है, चलेगा। सेट नंबर आपका अगला जो था यहां पर क्या दिया गया था, भारतीय पुरातात्विक पर्यवेक्षण की जो बात की गई आपका, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात, सुपरविजन की बात की गई, इसकी शुरुआत आपका 1861 में की गई थी। तो 1861 में तब आपका गवर्नर रहा होगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। सुजीत शर्मा बच्चे कह रहे सर पेपर होंगे या बस हम पढ़ते ही जा रहे हैं। सुजीत बच्चे देखिएगा आप बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिएगा, आपने सवाल पूछा और बहुत बड़ी बात है कि देखिएगा अभी जो हम लोगों का जो कैंपेन शुरू हुआ था, ठीक है ना, जो बेरोजगारी वाला कैंपेन, उसके बाद आपने देखा काफी हलचल हुई है। हलचल होने के बाद न कहीं जो लोग जिम्मेदार है वहां तक बात पहुंची है, और एग्जाम होने के हमारे चांसेस ज्यादा है। तो आप जितने पेशेंस के साथ आप पहले से पढ़े आ रहे हो, लॉकडाउन में भी आपने अच्छे से तैयारी करी, तो अब लास्ट मोमेंट है, यहां पर अपना फोकस बचा रिवीजन पे करिएगा। अगले 1-1.5 महीने में आपको जितने भी फॉर्म आपने भरे थे वो एग्जाम देने के लिए आप लोगों को मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग उसके लिए तैयार रहेगा, एग्जाम बिल्कुल होगा आपका, एग्जाम देने का आपको मौका मिलेगा जल्दी ही, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहेगा उसके लिए। यहां पर क्या आएगा आपका, बिल्कुल यहां पर क्या आएगा, अलेक्जेंडर कनिंगम 1861, अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले सवाल पर।
मनुष्य द्वारा प्रयुक्त की गई पहली धातु कौन सी थी? द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, तो पहली जो धातु प्रयुक्त की गई थी वो धातु कौन सी थी आपकी? आयरन, कॉपर, गोल्ड या ब्रॉन्ज? मनुष्य द्वारा प्रयुक्त की गई पहली धातु कौन सी थी? ऐसा सवाल अगर पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या बनेगा? तो हमारा आंसर क्या आएगा यहां पर? कॉपर आएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा कि यानी कि सबसे पहले जो हम लोग एनिशियंट यानी प्राचीन भारत को पढ़ते हैं, तो प्राचीन भारत में सबसे पहले हमने क्या? तांबे का प्रयोग सबसे पहले जो यूज किया गया था वो क्या किया गया था आपका? तांबा। नेक्स्ट बनेंगे वनस्पति से वनस्पति तेल के निर्माण में उपयोग की जाने वाली गैस, यानी यहां पर गैस यूज टू मैन्युफैक्चरिंग वेजिटेबल ऑयल, ठीक है ना। तो यानी वनस्पति घी में जो हम लोग करते हैं, तो याद रखिएगा किससे यूज करते हैं, कौन सी गैस बचा आपका? तो मुझे तो याद है आपका हाइड्रोजन। जब हम 9वीं 10वीं में पढ़ते थे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है किसमें? जो वनस्पति बचा तेल होता है या वनस्पति घी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सवाल पूछा गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पास हुआ था अंग्रेजी संसद में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा ये लास्ट टाइम भी पूछा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखिएगा 1857 की क्रांति के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता आपका, यानी कब आया होगा? 1858 में आता है। और इसके बाद आपको याद होना चाहिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी वो समाप्त कर दी गई और पूरा का पूरा साम्राज्य जो आपका प्रशासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पूरा का पूरा प्रशासन यहां से चला जाता है, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट बढ़ेंगे, सवाल नंबर आपका पांचवा दिया गया, इनमें से कौन सी जो स्टेट है जो इंटरनेशनल डेट लाइन के पैलर में, और सारी की सारी पूछने वालों में जितने भी ऑप्शन में दिए गए ना वो सारे पूछने वालों में आपसे, ठीक है। तो देखिएगा डेट लाइन के पैलर कौन सी आपकी? वेरिंग स्टेट। वेरिंग स्टेट जो एशिया को क्या करता है आपका? नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। इंटरनेशनल समझ जो आपका, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है आपकी? 180 डिग्री के समांतर। 180 डिग्री के क्या है? पैलर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का पैलर तो है, समझो। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा आपका? बी आएगा, ठीक। नेक्स्ट बढ़ेगा, यहां पर क्या दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, यहां पर क्या दिया गया बच्चा आपका? क्रिवोई रॉक करके आपका क्षेत्र है, यहां पर कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त कहां पर प्राप्त किया जाता है? क्या प्राप्त किया जाता है यहां पर? तो कौन सा खनिज होगा आपका? तो यहां राइट आंसर आएगा आपका आयरन ओर। आयरन ओर के लिए हमारा जैसे तेलचर, समझो तेलचर क्षेत्र आपका, आयरन ओर आपका किसके लिए? कोल के लिए जाना जाता है। उसी तरह से आपका कौन सा होगा यहां पर? कुंद्रेमुख हो गया आयरन ओर के लिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? यहां पर क्या कहा जाता है कि जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चिलगोजा, यानी पाइनस को, ठीक है ना, पाइनस का जो बीज होता है उसे कहा जाता है, ठीक है। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। नर्मदा के बारे में आप सभी विद्यार्थियों को कई बार बता चुका हूं पहले, वी एन एस टी, ठीक है ना, वी एन एस टी यानी कि विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य कौन सी रेंज है? सतपुड़ा रेंज है, ठीक है ना। और यहां पर देखिएगा विंध्याचल और सतपुड़ा नदी के, सॉरी विंध्याचल और सतपुड़ा जो आपकी रेंज है इसके मध्य कौन सी नदी बहती है आपकी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों ही दोनों आपके एक ही पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। सोन नदी जाके कहां पर? गंगा में गिर जाती है, जबकि आपका दोनों एक ही पहाड़ी से निकलती है। और नर्मदा नदी कहां गिर जाती है आपका? यह अरब सागर में गिर जाती है। यह सवाल आपका पूछा गया कि दोनों की दो नदियां जो एक ही पहाड़ी से निकलती है लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती है आपकी, ठीक है। चलेगा देखिएगा, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है यह परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यहां पर क्या दिया है कि जो मुद्रा बचा क्रिएट इटसेल्फ, यहां पर ठीक है वो इंट्रोड्यूस आपका डेफिनेशन की बात की गई, तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो क्राउ उमर के द्वारा किया गया था, समझो क्राउमर के द्वारा किया गया था आपका। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर डेटा में सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? कंप्यूटर में जो स्मॉलेस्ट आपका यूनिट होगी, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी आपकी? तो ये होगी आपका बिट या बाइट,
नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्चुअल ग्लोबल जो आपका वैक्सीन समिट 2020 में किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था। यहां दिया गया आपका वर्चुअल ग्लोबल जो आपका वैक्सीन 2020 को किस देश के द्वारा होस्ट किया गया था, ऐसा सवाल अगर पूछा जाए तो ये हम लोग क्या आंसर देंगे, ये होस्ट किया गया था आपका किसके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। देखिएगा जो वर्चुअली आधार पर यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 होता है तो इसे किसके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रसिद्ध तेज धावक हुसैन बोल्ट कौन से, देखिएगा आपको बताया कि हुसैन बोल्ट के आपके स्प्रिंट रेसर है ना हुसैन बोल्ट, और हिमा दास क्या बच्चा आपका, हिमा दास भी क्या है स्प्रिंट रेसर है भारत के, तो याद रखिएगा हुसैन बोल्ट जो कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो जमैका, हुसैन बोल्ट कहां को आपका जमैका को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, ए राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे हम लोग, स्टर्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, स्टर्लिंग प्राइज गिवन बाय बच्चा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, स्टर्लिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, स्टर्लिंग पुरस्कार आपका मुझे जो याद है बच्चा आपका क्या आएगा, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, स्टर्लिंग पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिएगा वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक किसने लिखी, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, टाइटल क्या आपका वन अरेंज्ड मर्डर, ये किसके द्वारा, चेतन भगत, शशि थरूर, अमीश पर त्रिपाठी या अश्विन सांगी के द्वारा, तो किसके द्वारा लिखी गई आपका, तो ये लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा, वन अरेंज्ड मर्डर ये किसके द्वारा लिखी गई है, चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिएगा वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन जो आपका वेल्थ ऑफ नेशन में जो आपका बुक लिखी गई है तो किसके द्वारा लिखी गई आपका, वेल्थ ऑफ नेशन आपका एडम स्मिथ के द्वारा, हु इज द ऑथर ऑफ बुक वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, समझो कौन होगा आपका एडम स्मिथ। नेक्स्ट चलेंगे सवाल नंबर 16 देखिएगा, देश का पहला लाइकेन पार्क कुमाऊं के मुनस्यारी क्षेत्र में विकसित किया गया है, यह क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है, फर्स्ट आपका लाइकेन पार्क, लाइकेन जो एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, जहां पर वायु प्रदूषण होगा वहां आप लोगों को लाइकेन नहीं देखने को मिलेगा, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं लाइकेन क्या है, लाइकेन प्लांट में आता है, पादप में आता है और कवक और शैवाल के बीच की कड़ी माना जाता है, समझो जहां पर लाइकेन आपका अगर होगा तो वहां एयर पॉल्यूशन क्या आपका शून्य होगा, तो ये लाइकेन पार्क आपका मुनस्यारी यानी कि अपने कुमाऊं क्षेत्र कहां पर, बिल्कुल देखिएगा बहुत बढ़िया समझो कुमाऊं क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड के अंदर, ठीक है उत्तराखंड इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा सवाल नंबर 17, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया, अरे सभी विद्यार्थी क्लास में ज्यादा से ज्यादा लाइव रहें और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी करें, उन सभी ग्रुपों में क्लास को शेयर कीजिएगा जिन्हें आप लोग मतलब जिनसे आप लोग जुड़े हो, इसके बाद अगला सेट तभी कराऊंगा जब 100 पार जाएंगे, ठीक है ना, अगर 100 पार नहीं गए तो छुट्टी कर देते हैं आपका, ठीक है छुट्टी नहीं करूंगा बच्चा क्लास कराऊंगा, आप लोग जो आ रहे ठीक है जो नहीं आ रहे तो उसमें आपकी क्या गलती हो सकती है समझो। तो चलेगा समुद्र गुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया, तो ये कहां पर किया गया हमारा, तो ये किया गया आपका कहां पर, इलाहाबाद स्तंभ लेख में, समझो यहां पर दिया गया आपका इलाहाबाद स्तंभ लेख में किया गया, समुद्र गुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख कहां पर, इलाहाबाद स्तंभ लेख में। नेक्स्ट देखिएगा अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से, पंडित रविशंकर की पुत्री बच्चा आपका किसमें, सितार वादक है, ठीक है ना, अनुष्का रविशंकर किससे आपके, तो याद रखिएगा सितार वादक। नेक्स्ट देखिएगा किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना जो दुनिया भर में सबसे बड़ा दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया था, तो ये भारत के कौन से राज्य के द्वारा, तो ये राज्य था हमारा कौन सा, महाराष्ट्र। विच स्टेट हैज लॉन्च प्रोजेक्ट प्लेटिना द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोवैक्सीन, यहाँ पर क्या दिया बच्चा आपका कोवैक्सीन प्लाज्मा थेरेपी की बात की गई, ठीक है तो ये किया गया था हमारा किसके द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा, और फर्स्ट आपका प्लाज्मा जो बैंक बनाया गया तो वो बनाया गया था किसके द्वारा, दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा, फर्स्ट आपका प्लाज्मा बैंक जो बनाया गया था वो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना।
चलेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे सवाल नंबर 20 की ओर। हीना सिद्धू का नाम सुना आपने, हीना सिद्धू किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी किस खेल से संबंधित है, आपसे ये पूछा गया, तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए। आपसे पूछता हूं मैं बच्चा, आपका हीना सिद्धू आ गया, तो अदिति, अदिति बच्चे आपका क्या आएगा, अशोक, अदिति अशोक किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना। दूसरा देखिएगा, एक तो हो गया आपका अदिति अशोक, दूसरा नाम क्या आएगा आपका जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, वो नाम आएगा आपका अंकिता रैना। अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है, इन दोनों का आंसर दीजिएगा। अदिति अशोक आपका किससे, गोल्फ से है, अंकिता रैना किससे आपके, टेनिस से है, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट बनेंगे, अगला देखिएगा सवाल नंबर जो आपका दिया गया था शूटिंग, हीना सिंधु किससे आपका, शूटिंग से, हीना सिंधु का नाम किससे आपका, शूटिंग से। तो 20 सवाल हो गए इन दो प्रैक्टिस पेपर में, हमारे अब तक लीडिंग स्कोरर जो रहे तो 19 मार्क्स एक बच्चे ने बताए थे, आप लोगों के कितना है देखिएगा। अगर कोई 19 ला रहा है तो उन्होंने पढ़ा इन चीजों को, एक बार में 19 नहीं आएंगे। मैं कहता हूं आपको, आपको पेपर दिया जाए और अगले दिन आप उसी पेपर को करने जाएंगे, तब भी बच्चा हमारा 100 में से 100 नहीं आते हैं, हमें उसके लिए बच्चा क्या करना पड़ता है, ठीक है। आ जाएंगे बहुत सारे विद्यार्थियों के, लेकिन नन ऑफ दीज भी तो ऑप्शन होता है ना, चलेगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग आज के लिए सेट नंबर 14, सभी लोग तैयार हैं सेट नंबर 14 के लिए, तैयार हैं सभी लोग जितने विद्यार्थी यहां पर लाइव हैं। चलेगा, आपके सवाल क्या क्या हैं, आप लोग अपने सवाल भी पूछ सकते हो। यहां पर जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, एक एक सवाल आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक सवाल आपके महत्वपूर्ण है, ठीक है। सेट नंबर 14 हम लोग शुरू करने वाले हैं, इसमें 16 ही आए। यहां पर राहुल चौहान राजपूत जी कहते हैं सर इसमें 16, मोहसिन करके बच्चे ने बताया 17.75, अंकुर बच्चे का यहां पर 17 नंबर, रूपाली आनंद बच्चे कहते हैं शुरू कर दीजिएगा, गुड आफ्टरनून। किंग ब्लॉक बच्चा गुड आफ्टरनून, मोहम्मद यीशु बच्चा बिल्कुल तैयार हैं, चलेगा। सभी विद्यार्थी देखिएगा जितने भी यहां पर लाइव हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, फिर हम लोग क्लास को आगे शुरू करते हैं, ठीक है ना। यानी आपका अगला सेट हम लोग यहां पर शुरू करते हैं, एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हाँ, यहां पर नीतीश कुमार बच्चे के 16 ही सही हुए, चलेगा। सेट नंबर 16 के लिए तैयार हो जाएगा, सेट नंबर 16 देखेगा आपका, ये रहा सेट नंबर 16। पहला सवाल देखेगा, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपसे पूछा गया कि तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप क्या आंसर दोगे। प्रत्येक समझ यहां पर दिया गया आपके सामने कि तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोगों का आंसर क्या बनेगा यहां पर, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चे आपका, तो ये कहला जाता है आपका, ठीक है, ऑप्शन सी देखिएगा, ठीक है ना। लेपिडो बच्चे आपका क्या आएगा, टोरियोलॉजी करके, ठीक है ना, लेपिडो टोरियोलॉजी तितलियों का अध्ययन। भारत में सबसे बड़ा तितली उद्यान कौन सा है, आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि भारत में सबसे बड़ा तितली उद्यान कौन सा है, तो एकमात्र आपका कौन सा, बन्नेरघट्टा, समझो बन्नेरघट्टा। और ये कहां पर हमारा, तो ये हमारा कहां पर, बेंगलुरु के अंदर यानी कि कर्नाटक में, ये कहां पर हमारा, कर्नाटक के अंदर, ठीक है, बेंगलुरु के अंदर कर्नाटक में देखने को मिलेगा, समझो। उसके साथ साथ यदि एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे कि ध्यान दीजिए, एग्जामिनर पूछता है कि बैंडेड टिट आपका 2019-20 में खोजी गई एक प्रजाति है, तो ये किसकी वैरायटी है, बैंडेड टिट जो आपका 2019 में खोजी गई थी, तो ये बैंडेड टिट क्या आपकी, तितली की ही प्रजाति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे सवाल नंबर आपका 20 देखेगा, सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है कि भूमध्य सागर, देखिएगा आपका सवाल नंबर 20, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ेगा, मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ेगा, डेविस, डेविस नहीं जोड़ेगा, डेविस तो आपका कहां पर है, अभी पूछूंगा आप लोगों से, डेविस कहां पर आपका, ठीक है, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर आपका बिल्कुल गेटवे ऑफ मेडिटेरेनियन सी, बिल्कुल समझो आपका कौन सा आएगा, जिब्राल्टर आएगा आपका, ठीक है। यहां पर देखिएगा डेविस की अगर मैं बात करूंगा तो डेविस आपका नॉर्थ अमेरिका से ग्रीनलैंड को क्या कर रहा है, आपका अलग कर रहा है, ठीक है ना।
चलेगा, नेक्स्ट बनेंगे अगले सवाल पर। अच्छा, पेड कोर्स में आपकी लाइव क्लासेस चल रही है, पेड कोर्स में आपका यहाँ पर हमारे बच्चे बच्चे ठीक है ना, अमित यादव बच्चे कहते हैं कि सर पेड कोर्स में वीडियो नहीं आ रही है। अच्छा, पेड कोर्स में बच्चा वीडियो हमने अपलोड करी थी, कल भी आपकी क्लास ली थी तो आपको कंप्यूटर क्लास वहां पर अपलोड की गई थी, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट, देखिएगा मशरूम किस प्रकार के जीवों में से एक है, तो आप क्या आंसर दोगे, ये कवक होता है, मशरूम कवक में आता है आपका, ठीक है, ये भी याद रहेगा। हाँ बिल्कुल बच्चा, गलती नहीं करनी आपको। आगे देखिएगा सवाल नंबर चौथा दिया गया, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पालन कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है आपका, सेरिकल्चर। देखिएगा सेरिकल्चर कहा जाएगा आपका, एपिकल्चर किससे संबंधित आपका, तो ये मधुमक्खी पालन से, सिल्वीकल्चर आपका वनों के संरक्षण के, और विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन से। नेक्स्ट बढ़ेंगे सवाल नंबर पांच, एक जीन एक सिद्धांत, समझो एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वन जीन बच्चा आपका समझो वन एंजाइम जो थ्योरी दी गई थी ये किसके द्वारा दी गई थी, ऐसा सवाल पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या बनेगा, वीडल और टाइटम के द्वारा दी गई थी। सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो सेल थ्योरी दी गई थी आपका किसके द्वारा, वॉटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी, ठीक है ना, समझो सेल थ्योरी, सॉरी सेल थ्योरी आपका स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा, और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया था आपका वो दिया गया था वॉटसन और क्रिक के द्वारा, समझो आपका ये सवाल पूछे जाते हैं आपके। धातु जो गर्म आपका सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के, समझो हाइड्रोक्लोराइड विलयन के अभिक्रिया कर बच्चा हाइड्रोजन गैस देती है, तो इनमें से कौन सा होगा आपका जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी, वो आएगा आपका जिंक। नेक्स्ट बनेंगे सवाल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो इनहेरिटेबल है, इनमें से कौन सी जो यहां पर क्या दिया गया, ल्यूकेमिया, कलर ब्लाइंडनेस बच्चा आपका ठीक है ना, मैग्नेंसी दिया गया यहां पर, हेपेटाइटिस दिया गया, तो इनमें से कौन सी होगी, यहां पर आएगा क्या वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, जो एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में, राजेंद्र यादव बच्चे कहते हैं सर कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी ऐड कीजिएगा, बिल्कुल राजेंद्र बच्चा इसी सेट में कोशिश करते हैं कि हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन भी ऐड कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, एक सेट हम लोग इसमें कंप्यूटर का रख लेते हैं ना, एक सेट हम लोग यहां पर कोशिश करते हैं, अब सेट में 20 सवाल ही रख पाऊंगा मैं क्योंकि 20-20 का सेट बना रहा हूं, तो एक सेट यहां पर कंप्यूटर का भी रख लेते हैं, या ऐसा कर लेते हैं आपका कुछ सवाल इसमें कंप्यूटर के ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं यहां पर राजेंद्र यादव बच्चा मैं आपके देख चुका हूं आपके कमेंट्स को। चलेगा आगे देखेंगे हम लोग अगले सवाल पर, यहां पर सवाल क्या दिया गया था आपका, ठीक नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तर भारत में मैनचेस्टर की जो संज्ञा दी गई है वो किसे दी गई, ऐसा कहा गया आपका, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया आपका, तो कानपुर को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 का आएगा ए आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, विषाणु में क्या प्रेजेंट होता है, विषाणु में कौन सा कंटेंट होगा, ये पूछा गया आपका, समझो विषाणु में बच्चा कौन सा कंटेंट प्रेजेंट होगा, तो मुझे तो याद है आपका विषाणु यानी कि वायरस, ये क्या होगा बच्चा आपका, इसमें समझ यहां पर क्या आएगा आपका, न्यूक्लिक एसिड और कभी कभार इसमें न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, और आपका प्रोटीन का क्या होगा, कैप्सिड होता है आपका, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा आपका, ध्यान दीजिए इसमें प्रेजेंट होगा आपका, ठीक है, क्योंकि देखिएगा जो टीएमवी वायरस होता है ना, टेम्बेको मोजो वायरस होता है, इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, ये प्लांट वायरस है आपका, तो इसमें आरएनए का मतलब डीएनए और आरएनए आप समझिएगा, ये न्यूक्लिक एसिड होती है, किसी भी सेल में डीएनए और आरएनए का प्रेजेंट होती है आपकी, ये न्यूक्लियस में केंद्रक में प्रेजेंट होगा, और चलेगा ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आपका, तो ये भी याद रखिएगा ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मैं आपके कमेंट जरूर देखना चाहूंगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे होता है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसे होता है, देखिए कोई बिल आया और वो बिल क्या हो गया आपका इक्वल हो गया,
दोनों जगह क्या हो गया आपके बराबर वोट हो गए। उस कंडीशन में कौन वोट देगा? लोकसभा अध्यक्ष देगा। लोकसभा अध्यक्ष जो वोट देगा उसे क्या कहेंगे? कास्टिंग वोट कहेंगे। कास्टिंग वोट यानी कि स्पीकर देगा, स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष देगा। ऐसी स्थिति जब वोट बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष क्या देता है? आपका वोट देता है, ठीक है ना, उसे कास्टिंग वोट कहते हैं। आप सभी विद्यार्थियों से सवाल है कि वर्तमान समय पर राज्यसभा के सभापति कौन है और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिख के भेजेगा, सभापति और उपसभापति, ठीक है ना। आर्टिकल 108 किस बच्चे ने भेजा है पर? आर्टिकल 108 भेजा नहीं, चलो बी आंसर भेजा ना, 108 नहीं होगा आपका। 108 में तो ज्वाइंट सेशन है, 108 में ज्वाइंट सेशन आपका संयुक्त अधिवेशन है। पूछ भी दिया करें आप लोग, सवाल को पूछेगा ना, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो चीनी यात्री प्रथम जो भारत आया था वो बच्चा किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। चलो आप लोगों से मैं पूछता जाऊंगा, आप लोग बताएगा मुझे, मैं आपसे कहना समझ आपका मार्को पोलो, मार्को पोलो समझ। चलिए बचाओ आ गया, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऐसा सवाल पूछा जाए तो हम लोग आंसर क्या देंगे? बेसबॉल। और बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं आपके? 9 प्लेयर होते हैं, ठीक है ना। बेसबॉल में आपके 9 प्लेयर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे अगले सवाल पर। पोलो खेल का प्रचलन भारत के कौन से राज्य में हुआ था? तो पोलो खेल का कहां पर हुआ था आपका? बिल्कुल देखिएगा, भारत के कहां पर? पूर्वोत्तर में, मणिपुर में हुआ था। चलिए एक सवाल पूछना आप सभी विद्यार्थियों से, यदि आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि मणिपुर कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है तो आपका आंसर क्या बनेगा? मणिपुर भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है तो आपका आंसर क्या बनेगा? मणिपुर भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो देखते हैं हम लोग यहां पर मणिपुर के लिए, ठीक है ना, मणिपुर कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो मुझे तो याद है आपका एक करेगा नागालैंड, एक किसे करेगा? नागालैंड को। इधर से किसे करेगा आपका? असम को। इधर से किसे करेगा आपका? मिजोरम को। और यहां से कौन सा आ रहा आपका? ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन। इधर करेगा आपका म्यांमार को। तो तीन राज्यों के साथ और एक देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है कौन? ये अपना मणिपुर,
फ्लोटिंग नेशनल पार्क, सारी कहानियां बता रखी है आपको। साइकिलिंग के खेल परिसर को किस नाम से जानते हैं? तो ये कहा जाता है आपका वेलोड्रम। नेक्स्ट देखेगा अगला सवाल, सवाल नंबर आपका दिया गया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? तो द हेग के अंदर, कहां पर आपका? द हेग के अंदर, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 होती है। वर्तमान समय पर एक भारतीय है जिनका नाम क्या आपका? दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी इन 15 में से एक है, ठीक है ना, ये भी याद रखना आप लोगों को। चलेगा नेक्स्ट बढ़ेंगे सवाल नंबर 17 की ओर। अक्टूबर 16 को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? अक्टूबर 16 को प्रत्येक वर्ष आप लोग सेलिब्रेट करते हो किस रूप में? वर्ल्ड फूड डे के रूप में, विश्व खाद्य दिवस के रूप में, क्योंकि विश्व खाद्य संगठन आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। बाकी सारी कहानी आप लोगों को पता है इसके बारे में। नेक्स्ट देखिएगा WTO जो विश्व व्यापार संगठन आपका, ये कब बनता है? तो ये बना था हमारा कब आपका, याद होना चाहिए आप लोगों को बिल्कुल, 1 जनवरी आपका 1995 में बनता है ना। आपसे पूछा जाता है इसका प्रीवियस नेम क्या था आपका? गेट। गेट का मतलब जनरल एंटी ट्रेड एंड टैरिफ, समझो आपका। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा आपका यहां पर गेट यानी कि समझो, और 1949 में था, इसी का प्रीवियस नेम आपका गेट था, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया था? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। और इस सेट का अंतिम सवाल और आज का अंतिम सवाल भी, ठीक है, आपके सामने आ चुका है कि यहां पर क्या दिया गया, क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने इंटरनेट के बदले में बचा आपका HTTP होता है, तो इसका विस्तृत रूप क्या होगा? तो यहां पर HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा ये पूछा गया आपसे, ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थी जाते जाते वीडियो को लाइक भी करेंगे क्योंकि बच्चा अगली क्लास का समय भी हो रहा है, और जो विद्यार्थी यहां पर हमारे TG2 वाले हैं, कंप्यूटर TG2 का आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो एप्लीकेशन पर मिल रहा है बच्चा, ठीक है, जो आपको ऑब्जेक्टिव के बेस पर रिविजन के तौर पर मैं वहां पर बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो विद्यार्थी आज की क्लास को यहीं पर, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, फिर थर्ड जनरेशन में IC, फिर उसी तरह से हम लोग IC का भी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड के प्रयोग करा था हमने, ठीक है। तो चलेगा विद्यार्थी आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम लोग बच्चे 9 बजे एग्जाम 2021 में, और सभी विद्यार्थी वहां पर लाइव रहेंगे आप लोग। इसी तरह से बाकी सभी क्लासे हमारे रेगुलर चलती है, हिंदी हो, रीजनिंग हो आपकी, ठीक है ना, ये सभी क्लासे आपका रेगुलर चल रही है, ठीक है। तो इसमें बच्चा 20 में से 19, संदीप पाल बच्चे 20 में से, ठीक है ना, तो याद रखिएगा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बच्चा आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, आप देखिए जैसे क्लास समाप्त करने की बारी आती है आप लोग लाइव हो जाते हो। किसी बच्चे का कोई सवाल, अब तो मैं यही कहूंगा कि नई चीजों की ओर मत भागेगा, जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी है उस क्लास को देखे, उन चीजों को रिविजन करते हुए चलेगा, ठीक है ना। जो चीजें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसे बच्चा आप लोग ठीक है बच्चा बिल्कुल, अब नई चीजों के पीछे नहीं भागना आपको, वही चीजें जो पहले पढ़ चुके हैं उसे रिवीजन करते रहेगा, ठीक है।